वेलकम टू माई चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप का, जो मैंने एक मंथ पहले बाय किया था, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपने पहले देख चुके होंगे मेरे चैनल पर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गाइस इसके बारे में कि जी कैसा चलता है और इसका बैटरी बैकअप कैसा है और भी सब कुछ। सबसे पहले आपको बता दूँ, इसका प्रोसेसर है Ryzen 3, AMD Ryzen 3 थर्ड जनरेशन, और इसके साथ हमको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फ्री है सब कुछ, लेकिन हमें एक्टिवेट करना पड़ता है जब हम इसको बाय करते हैं न्यू। ठीक है, और जो ग्राफिक है वो रेडियन ग्राफिक है। ठीक है, ठीक है, ग्राफिक जो भी है अच्छे चलते हैं। बाकी हम बात करते हैं इसके साथ हमें क्या मिलता है। 3 USB पोर्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, उसके साथ ही साइड में है वो चार्जिंग पोर्ट, और इसके साथ में है जो हमें हेडफोन जैक मिलता है। ठीक है, जो कीबोर्ड है इसमें हमें देख सकते हैं, नंबरिंग की भी मिलती है साथ में। ठीक है, बाकी जो HP का लोगो है, इसकी अच्छी बात ये है जो इसका स्पीकर है वो ऊपर की ओर है, नीचे नहीं है। ठीक है, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, एक मोबाइल से तो अच्छी क्वालिटी है इसकी। आपको मैं कुछ प्ले करके बता देता हूँ, आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन सकते हो। इसका वेट थोड़ा सा हैवी है वैसे, 2 kg का है। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं आपको इसके बैक साइड से भी कैसा दिखता है जी। बाकी मैंने अनबॉक्सिंग में बताया है, आपको मैं बता देता हूँ बैक साइड से जैसा मैटी लुक है। आप याद रखना, इसको लेमिनेशन भी शायद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेमिनेशन कराया जाए तो जो लेमिनेशन करते हैं उसमें एयर रह जाती है, हवा रह जाती है, इसलिए मैंने इसको लेमिनेट नहीं कराया। ठीक है, इतनी मोटाई है इसकी जो स्क्रीन की है। ठीक है, बाकी हैवी है, साइज इसका 15.6 इंच है। ठीक है, ये हो गया। और गाइस इसकी मेन जो मुझे एक खासियत तो लगी वो है इसका बैटरी पैक। जी हाँ, इसका बैटरी पैक मुझे 5 घंटे से भी ज्यादा मिल रहा है। जी हाँ, 5 घंटे, एक आम मोबाइल अगर लगातार चलाए तो वो भी 3 या 4 घंटे निकालता है, लेकिन ये 5 घंटे से ज्यादा निकाल रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, जो रहा इसका कैमरा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, BGA कैमरा ही समझ लो, बेकार कैमरा है। आप वीडियो कॉल कर तो सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदे को अपना आपका फेस इतना अच्छा नहीं दिखेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रोसेसिंग कैसी है, जो कैसे चलता है। ठीक है, इसके फंक्शन कितने टाइम में ओपन होते हैं। ठीक है, इसकी 4GB रैम है और 1TB हार्ड ड्राइव है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसके फंक्शन ओपन करके। अब मैं आपको बताऊंगा गाइस की जी ऑन होने के लिए कितना टाइम लेता है। ठीक है, इसका जो पावर बटन है जो है, जो इधर है, ठीक है, इसको सिर्फ एक बार ही प्रेस करना है आपको। इसको एक बार प्रेस करके आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा स्लो होता है ऑन। देखो लोगो आ चुका है HP का। ठीक है, इसकी स्क्रीन क्वालिटी थोड़ी सी मुझे बैड लगी है, क्योंकि ये फुल HD नहीं है, सिर्फ HD है। लो अब ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें, मैंने जैसे पासवर्ड रखा, आपने भी कोई ना कोई पासवर्ड रख लेना स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, एंटर पर दबाने के बाद देखो, एंटर पर मैंने दबा दिया, लेकिन अभी तक वो खोला नहीं टैब जिसमें हमें पासवर्ड एंटर करना है, थोड़ा सा लो है। ठीक है, इस बार फिर जहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना, फिर एंटर दबा देना। ठीक है, वो जी खुल चुका है। अब मैं गाइस आपको इसके फंक्शन स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप द्वारा ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने टाइम में ओपन होते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में बनाता हूँ। तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर किया मैंने, जो हो चुका है। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हैं, जो नीचे बताता है बैटरी परसेंटेज। ठीक है, इस पर हम बैटरी बैकअप, मैंने बोला कि इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, कल मैंने चलाया और चार्जिंग भी नहीं लगाया, अभी भी 65% है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इतनी लोडिंग ली इसने। ठीक है,
अभी भी लोडिंग वैसे ले रहा है। ठीक है, अगर क्रोम खोलना हो या इसका माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है तो बता देता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग लेता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये देखो आप, आई थिंक इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो रैम है वो 4 GB है। मुझे लगता है अगर हम इसकी रैम 8 GB और करा लें तो हो सकता है कि ये अच्छा चले। ठीक है, अब मैं 2-3 ब्राउजर एक साथ ये इकट्ठे खोल देता हूँ। ठीक है, क्रोम खोल देता हूँ और ये बिवाल्डी ऐप है, ये भी खोल, देखते हैं आप। देखो गाइस, थोड़ा सा लेता है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये राइजन 3 प्रोसेसर है, ये थोड़ा सा इतना लोडिंग लेता ही है। वैसे तो ये गेमिंग प्रोसेसर है लेकिन फिर भी आई थिंक रैम की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, क्रोम को भी अभी इतना टाइम ले इसने कौन लेगा। ठीक है, जी देखो लोडिंग लेता है, अगर ऐप बंद भी करना हो तो भी। ठीक है, बाकी जो हमें इसमें मिलता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, जी देखो, तो बाकी इतना कुछ ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो एम एस वर्ड है वो मिला है आप हमें इसमें फ्री। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि बाकी सब कुछ ठीक है, बैटरी बैकअप बिल्कुल ओके है। ठीक है, वो देखो मैंने कब का जो ऐप जिसका नाम बिवाल्डी है मैंने ऑन किया था, वो अब जाकर ऑन हुआ है। ठीक है, इतना टाइम ले लिया उसने ऑन होने को। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये काफी टाइम लेता है जो ऐप ओपन करने के लिए। ठीक है, इसकी स्पीड स्लो है और इसका जो पंखा है वो नीचे वो ठीक है चलता है, कभी कभी चलता है। ठीक है, जब वो हीट में होता है जी ज्यादा चला लिए, और आवाज बहुत कम करता है जी, एक अच्छी बात है। ठीक है, स्पीकर ऊपर है, पंखा इसके नीचे है। ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में हो। ठीक है, बाकी मैंने जितना आप मुझे अच्छा लगा मैंने बता दिया। अगर मैं इसमें 100 से नंबर देना चाहूँ तो इसको मैं 70 नंबर दूंगा इसको। ठीक है, लगभग 30,000 में कोई बुरी डील नहीं है जी, तो मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे ही फंक्शन खुल जाते हैं। ठीक है, इसका अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी है। चलो, ये तो लोडिंग लेता है, इंटरनेट की वजह से भी होगा। ठीक है, अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, या अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स।